बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री शत गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महाराण की जय। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुंचावे अखंड घर जीत। ताए आड़ो नहीं आवे भव सागर, सो पावे अखंड सुख निज घर। बोलो श्री नवतन पूरी धाम की। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को परम धाम की याद देकर तारतम्य ज्ञान देने आए हैं। श्री जी महाराज ने शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे शास्त्र नहीं कथा ये दंत नहीं ये सतवाणी सतवाक। श्री जी की विशेषता यही है किसी भी बात को बताने से पहले प्रमाण देते हैं। जितनी बात कहूं मैं साधकों इनके देव प्रमाण। संसार में ज्ञान तो बहुत आया, चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद के रूप में, पर जब आप धनी सदगुरु बन करके तारतम ज्ञान लेकर के प्रगटे हैं तो तारतम ये न जाना कि सचिदानंदम लक्षणम। तारतम के बिना परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। आज तक ये पहली थी कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, इसका नाम क्या है। पहली बार तारतम ज्ञान के माध्यम से श्री जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकि दूनी सब राह देख। वो परमात्मा का नाम जाहिर हुआ है जिनके पूरा संसार भक्ति के माध्यम से खोज कर रहे हैं क्या नाम होगा परमात्मा का। और स्वयं परमात्मा ने आकर के नवतनपुरी धाम जामनगर में श्याम जी के मंदिर में जहां कांजी भट्ट कथा करते थे वहां परम धाम की श्यामा स्वरूपा सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जो निजानंद स्वामी है इनको दर्शन दे करके आप पहचान कराई अपना लई तारतम्य लगाई। तारतम मंत्र निज नाम दे करके अपनी पहचान कराई, आप पहचान कराई अपनी। पहचान करते हुए कह दिया मेरा नाम ही श्री कृष्ण है, मैं अनादि हूं, मैं अक्षरादि हूं। जब नाम जाहिर हो ही गया है स्वयं दृष्टांत देकर के कहते हैं कि लोगों की खोज अगम निगम नीति नीति से रुक गई थी। उसी ज्ञान को मुझे दिखाना है तो मैंने सर्व शास्त्रों का सार लेकर के प्रमाणित किया है और परमधाम के अंदर रहने वाला सचिदानंद घन अक्षरातीत स्वरूप है, इनका नाम ही है श्री कृष्ण। अब इस तारतम ज्ञान से आत्मा को जगाने के लिए चले हैं तो पराप्रेम लक्षण भक्ति का माध्यम है, वही साधन है। उसी साधन से अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण को जो भी प्रेम करेगा, इनके दर्शन चाहेगा, इनके चरण को प्राप्त करने को लाला ही कर रहेगा, इसके दिल में परमधाम का तारतम्य ज्ञान
परमधाम की महान बुद्धि जिसे जागृत बुद्धि कहते हैं वो आ जाती है, तब वो बड़ी मणि महान बुद्धि का सागर बन जाता है। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत सो पहुंचावे अखंड घर जी, तब वही ज्ञान आपको परमधाम में ले जा सकता है, वही अनादि अक्षरातीत में आपको सम्मिलित कर सकता है। अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद है, वही हमारे राज्य है, वही हमारे धनी है, वही पिया है। अनपायनी भक्ति लेकर के जब इनका मनन चितवन भजन कीर्तन करता है तो उसे आत्मा निश्चित अखंड घर परम धाम में जाता है। कृष्ण की त्रिजालिका को नहीं जानने वाले गौलोक या वैकुंठ में जा सकते हैं, पर प्रणामी घर माने जानन संप्रदाय में दीक्षित होकर के कृष्ण जी से प्रेम करके भक्ति करता है, वैसी आत्मा सीधे अखंड घर में पहुंच जाता है। ताए आड़ो ना आवे भवसागर, ऐसी दिव्य आत्मा को संसार के कर्म बंधन बांध नहीं सकते। वैसी आत्मा परमात्मा को पहचानने के बाद अपनी आत्मा को पहचान लेती है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। तो संसार के कर्म भी फिर भक्ति बन जाते हैं। जो भी काम करेगी कर्म करेगी वो भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो इनको फिर भवसागर में कोई रोकने वाला नहीं है, वो सीधे परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में सम्मिलित हो जाता है। सो पावे अखंड सुखर निज घर, और वैसी आत्मा सीधे परम धाम में धनी के चरणों में मूल मिलावा में आत्मा जागृत होती है, और वो परम धाम के अखंड सुख अपना नीति यानी अपना खुद का घर जहां से हम संसार में माया का खेल देखने आए हैं वहां पहुंच जाती है, वहां का अखंड सुख लेने लगती है। तो इस चौपाई से श्री जी का कहने का तात्पर्य यही था कि तारतम मंत्र के प्रगटन पूर्व कृष्ण को लोग जानते थे पर त्रिधालीला नहीं जानते थे, वो अनादि अक्षरातीत को नहीं जानते थे। तो उसी समय पर भी 7 करोड़ मंत्र जगत में थे, आने वाले वक्त में भी कई लोग मंत्र को बदलने की चेष्टा करेंगे, पर इसी बात को प्रमाणित करने के लिए धनी वाणी में ही कह दिया श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, चाहे आप कुछ पक के हजार नाम राज्य के हजारों नाम है, किसी भी नाम से आप राज्य को पुकार सकते हो, पर हर नाम के अंदर कृष्ण है, कृष्ण ही अनादि है, कृष्ण ही अक्षरातीत है, वही हमारे धाम धनी है। वो भाव जब तक नहीं आता तब तक वो परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता, वो भटक जाता है। परम धाम और परम धाम का आनंद और अखंड मुक्ति और आत्मा जगाने का साधन घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फलसार तनोतारतम। निज नाम से कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत को समझाने के लिए ही धनी जी ने हमारे लिए 18,758 चौपाई में श्री मुखवाणी को अर्पण करते हुए इसी प्रसंग पर जोर दिया है कि इस बात को कभी मत भूलना, चेत सको सोचे कियो पुकार कहे महामत। आपको सचेत करते हुए धनी परम धाम में अपनी सुरता को लगवाते हैं। आप सभी के चरणों में पुनः पिपलाता कृष्ण प्रणामी मंदिर से जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार के सत सत प्रणाम। धनी की कृपा पर भी बरसती रहे, आप सदा सफल रहो। कृष्ण जी की इस अनुपायनी प्रेम लक्षणा भक्ति आपको मिले और आपको दर्शन की अधिकार प्राप्त हो। बोलो श्री नवतनपुरी धाम की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बोल पंजेवा।